आपको सीधा पंजाब के फाजिलका लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर संबोधित कर रहे हैं। एक स्थायी व्यवस्था बनाई और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन निकाला। इसके तहत एलईडी बल्ब हमने पंजाब में वितरित किए। इस वजह से गरीबों के बिजली के बिल में 900 करोड़ रुपए से भी अधिक बिजली का बिल बचा है। अगर मध्यम वर्ग के घर में चार लट्टू वाले हैं तो उसका 1500-2000 रुपया बच जाता है बिजली का। भाइयों, ये लोग आज जो वादे कर रहे हैं वो एक प्रकार से आपके घर में रोशनी लाने का वादा नहीं है, आपके जेब के पैसे बचाने का वादा नहीं है। ये ऐसा रास्ता है जो पूरे पंजाब को कुछ ही वर्षों में अंधकार में डुबो देगा। बिजली के कारखाने चलाने की ताकत नहीं होगी, पूरा पंजाब अंधेरे में फंस जाएगा। ये रास्ता इन्होंने चुना है। आप मुझे बताइए, क्या पंजाब में अंधेरा आने देना है? अंधेरा आने देना है तो इन लोगों को दिल्ली में ही रोक लो भैया, आने मत दो यहां। हम इस बात की व्यवस्था भी कर रहे हैं कि ना सिर्फ बिजली का बिल कम हो बल्कि बिजली कारखाने भी अच्छे ढंग से चले और जरूरत के हिसाब से नए कारखाने भी लगे। साथियों, 84 के दंगों के समय जब कांग्रेस के नेता नौसंहार चल रहा था और कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे, हुक्म कहां से आ रहे थे, ये आपसे ज्यादा और कौन जानता है भाइयों। तो ये बीजेपी के नेता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सिख भाई परिवारों को बचाने के लिए, मैं उस समय गुजरात में था, एक भी परिवार को तकलीफ नहीं होने दी, एक भी परिवार को, शान से जीते हैं भाइयों। हर सुख दुख में हम पंजाब के लोगों के साथ डटकर खड़े रहे हैं। साथियों, कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बाजू बगल में खड़े रहकर के तालियां बजा रहा था।